ये देखो दोस्तों, मैंने सूजी से मसाला डोसा बनाया है। इंस्टेंट रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में बन जाती है ये। और नॉर्मल जो अपना चावल दाल वाला डोसा होता है ना, वैसा ही स्वाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी सामान ना मिले ये रेसिपी में आपको। तो और मेरे चटरों, कैसे हो आप? चलो बनाते हैं सूजी से मसाला डोसा। एकदम इंस्टेंट वाला है और एकदम करारे बनते हैं, आप देख ही सकते हो। पूरी फटाफट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। एक मिक्सी के जार में हम लोग सूजी डालेंगे। ये मैंने 1 कप ली है। इससे 6 से 7 डोसा बन जाते हैं। सूजी के साथ ही में 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच हम लोग इसमें बेसन डालेंगे। हाँ, बस 1 चम्मच ही लेना है आपको। नॉर्मल डोसा में भी हम लोग चना दाल डालते हैं ना, इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट मैंने ये गेहूं का आटा लिया है 1 बड़ा चम्मच। नॉर्मल अपना गेहूं का आटा जिससे रोटी बनाते हैं, बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है इससे। अब बस ढक्कन लगाकर इसका पाउडर बनाना है। पाउडर को उड़ने नहीं देना है दोस्तों। अपना ये पाउडर को 1 मिनट तक आप पीसिएगा और लास्ट में ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मतलब पूरा बारीक नहीं करना है, बस दरदरापन हटाना है। अब इसको हम लोग एक बोल में निकाल लेते हैं। बोल में ये सब निकालने के बाद मैंने ये आधा चम्मच नमक डाला है और ये 1 कप ही दही है। घर वाली नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे अपने पाउडर के साथ। इससे पूरा गाढ़ा बैटर बनेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। कोशिश करिएगा इसमें लम्स ना पड़े। बस फिर क्या है, दही मिलाने के बाद हम लोग ढक्कन लगाकर इसको आराम करने देंगे 10 मिनट तक। सूजी फूल जाएगी तब तक हम लोग आलू का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और तड़के में हम लोग डाल देंगे सरसों। सरसों को चटकने देना है, एक बार ये नाचने लग जाए बस फिर हम लोग इसमें डाल देंगे चना दाल, कड़ी पत्ता, कटी हुई अदरक, हरी मिर्च। और इन सब के साथ में मैंने एक कटा हुआ प्याज भी डाला। ये स्लाइसेस में है, बड़ा साइज का प्याज था दोस्तों। प्याज को 1 मिनट तक सेक लेंगे हाई फ्लेम पर। अभी ये सही दिख रहा है। यहाँ पर मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन तीनों को मिलाकर अब हम लोग को 2 मिनट तक प्याज को पकाना है। पूरा ब्राउन वगैरह नहीं करना है, जैसा हम लोग करते हैं ना नॉर्मली आलू मसाले के लिए। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही पकाना है, मतलब ट्रांसलूसेंट जितना पकाना है दोस्तों। उबले हुए आलू है ये 5 पीस, जिसको मैंने उबाल कर छील कर काट लिया है। इसी के साथ में हरा धनिया डाल देंगे और अभी लो फ्लेम पर इन सभी को मिक्स करना है 1 मिनट तक। देखिए क्या रंगीन कलर आया है इसमें, मस्त लग रहा है ना। अपना आलू मसाला रेडी है फिलिंग के लिए। गैस बंद कर कर इसको आप ठंडा होने देते हैं। तब तक हम लोग का डोसा का बैटर चेक करते हैं। ये देखिए ठीक हो गया है। सूजी दीदी ने अपना दही का पानी एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा। अब इसमें हम लोग नॉर्मल पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे, जैसा होता है ना डोसा के लिए, बिल्कुल वैसा। ये वाला बैटर को अच्छी तरह फेंटना है दोस्तों, तभी क्रिस्पीनेस आएगी इसमें। अभी आप देख सकते हो मैंने कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट कर ली है। इसमें अब हम लोग डाल देंगे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, ये 1/4 टीस्पून है। बस इतना ही डलेगा ये रेसिपी में। पानी और सोडा डालकर भी आपको इसको अच्छी तरह फेंटना है। जो भी इसमें एयर बबल्स आते हैं ना, उसको भी अच्छी तरह फेंट लेंगे 2 मिनट तक। पूरा फ्लफ़ी हो जाता है ये बैटर, आप देख सकते हो। अपना इंस्टेंट मसाला डोसा बनाने के लिए बैटर रेडी है। अब तवा गरम करते हैं। तवा गरम करेंगे हाई फ्लेम पर और ये गरम हो जाए उससे पहले ही हम लोग इसमें आधा चम्मच तेल डालकर स्प्रेड करेंगे। प्याज से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नैपकिन से ही इसको फैलाया है। तेल की कोई एकदम ज़बरदस्त कोटिंग वगैरह नहीं करनी है, बस एक बार स्प्रेड करके फिर हाई फ्लेम पर तवा को अच्छी तरह गरम करना है। जब ये गरम हो जाता है, आपको लगता है गरम हो गया है, तो इसकी टेस्टिंग करेंगे पानी छिड़क कर। ये पानी इसमें अब फिसल रहा है, मतलब टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। आप खूब सारा पानी इसमें डालकर तवा को ठंडा करना है। तवा अपना भारी तले का होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया हम लोग ठंडा कर रहे हैं। तो पानी डालकर ऐसे हटा लेंगे और फिर अब डोसा बनाते हैं। ये करने से एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट डोसा बनते हैं दोस्तों। एक करछी यहाँ पर मैंने बैटर डाल दिया। अब इसको स्प्रेड करना स्टार्ट करना है। अभी स्प्रेड करने के टाइम पे फ्लेम को मीडियम रखना है। चलो ये अपना डोसा स्प्रेड हो गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये डोसा बनाने के लिए आपको फ्लेम को हाई पे रखना है। नॉर्मली हम लोग जब चावल का बनाते हैं तो मीडियम या फिर लो रखते हैं, लेकिन सूजी का बना रहे हैं तो इसमें हाई रखना है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये जो बैटर है ना सूख गया है, तो इसमें हम लोग ऑयल डालकर अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। तवा काफ़ी बड़ा है तो मैं तवा को ही घुमा रहा हूँ इधर उधर, ताकि तेल इधर उधर पहुँच जाए। और मैं जो बता रहा था आपको, फ्लेम को हाई पे रखना है।
कम हीट में ये डोसा में कलर भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है। तो ऑयल स्प्रेड करने के बाद हम लोग हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। 2 मिनट लगते हैं अभी, आप देख सकते हो कोने कोने में गोल्डन कलर आने लग चुका है। अब बस इसमें हम लोग आलू का मसाला सेट कर लेंगे एक तरफ। अरे वाह यार, क्या लग रहा है, मज़े आ गए देख कर ही। और ये नीचे की तरफ से थोड़ा कम सिका है तो मैं तवे को ही गैस के पास लेके जाता हूँ। मतलब आपको इधर उधर घुमाना पड़ सकता है अगर फ्लेम चारों तरफ नहीं पहुँच रही है तो। अभी आप देख सकते हो अपना डोसा रेडी है, चारों तरफ से सिक गया है, तो अब इसको निकालते हैं। ये अपना इंस्टेंट मसाला डोसा रेडी है, एकदम कड़क बना है यार। मतलब हार्डनेस में नहीं बोल रहा हूँ, वो रैपचिक वाली स्टाइल में बोल रहा हूँ। सही में देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई होटल वाला डोसा हो, है ना। तो इसको गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं सांभर चटनी के साथ। ये देखो भाई लोग, अपना सूजी से बना हुआ इंस्टेंट मसाला डोसा रेडी है, पूरा क्रिस्पी बना है और एक बार में टूट भी रहा है। अंदर देखिए, मस्त है ना। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, डोसा बनाते समय फ्लेम को हाई रखना है और कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं है इसमें। ऐसे ही बाकी के डोसे बना लेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करूँगा, आपको एक और दिखा देता हूँ बस। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप ज़रूर से बनाइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? ये नॉर्मल डोसा से काफ़ी जल्दी बनती है ना, तो उस वजह से और ज़्यादा टेस्टी लगती है। ट्राई कर कर मुझे बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन। मिलता हूँ जल्द और वीडियोज़ के साथ, आज के लिए इतना ही।